नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएन एनिशियल। मैं आपको बता दूं कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति कैसे रहते हैं और किस हिसाब से रखते हैं, शायद आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि आप उस क्षेत्र में नहीं रहते। अगर आप रहते हैं तो शायद उनकी दर्द और व्यथा जरूर जान सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। मैं आपको बता दूँ कि उनको पानी स्वच्छ और स्वच्छ वातावरण भी उनको नहीं मिल पाता है, लेकिन जब भी सरकार आता है तो आबादी के अनुकूल वह बहुत घनी संख्या होती है और वोट राजनीति करके चले जाते हैं। आपको मिलवाता हूं उनके अध्यक्ष से और देखिए क्या कहते हैं। मुद्दा यह है, जब सरकारें आती हैं, चुनाव होता है, तो सरकारें बोलती हैं कि भाई जहां झुग्गी वही मकान बनाएंगे। भारत सरकार ने, दिल्ली सरकार ने योजना भी बनाई और उसके लिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, जो दिल्ली सरकार की एक बोर्ड है, उसकी कस्टडी एजेंसी बनाई। एमसीडी को भी फाइनेंस करने का काम भी दिल्ली सरकार करती है। कई जगह हमारी एमसीडी की है, कई पर जगह पीडब्ल्यूडी की है और कई पर जगह फ्लड इरिगेशन की है और ज़्यादातर जगह ड्यूशिप की है, जो डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर उसके चेयरपर्सन भी होते हैं बोर्ड की मीटिंग के। तो उन लोगों को ये झुग्गियाँ जहाँ है वहाँ मकान बनाने का प्रस्ताव, तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा जी एनओसी लेके आओ। फिर रिक्वेस्ट की तो कह रहे जी जमीन वाले कह रहे प्रस्ताव लेके आओ। भाई ओनर तो सरकार है और वो सरकार अपने आप एनओसी ले, मीटिंग करे, ओनिंग एजेंसी की भी और कस्टडियल एजेंसी की भी और जिन लोगों ने नक्शे पास करने उनकी भी एक ज्वाइंटली एक मीटिंग ले ले और प्रस्ताव पास करके बोर्ड में अप्रूव करके। हमारे बड़ा दुख होता है जब हमारी बहन बेटियां जो टेक्निकल है, एजुकेटेड है और जो सक्षम है प्राइवेट कंपनियों में काम करने के लिए, ऑफिसर बनने के लिए, लेकिन जब बच्चे से इंटरव्यू लेते हैं तो उनसे पूछते हैं बेटा कहाँ रहते हो आप, तो जब बोलते हैं ना कि झुग्गी में रहते हैं, लक्ष्मी कैंप में रहते हैं, हम महात्मा कैंप में रहते हैं, हम पंडित दीनदयाल कैंप में रहते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे हम चोर हैं और वो जॉब नहीं देते। और जहाँ पर हमारी गलियाँ हैं, बच्चों को लैट्रिन करनी पड़ती है, टॉयलेट बनी नहीं है, टॉयलेटों की सीट जो है डैमेज है, दीवारें टूटी हुई हैं, सीवर का कनेक्शन हुआ ही नहीं है, पानी की लाइन डली हुई नहीं है और सरकार कह रही है कनेक्शन ले लो जी फ्री। भाई पहले लाइन तो डालो, तो धोखा देने के सिवा कोई काम नहीं कर रही। और जो हमारा SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो फंड था, वो गरीबों को धोखा करके उसको डाइवर्ट करके सिर्फ अपनी राजनीति, 5.5 साल तक तो आप सोए रहे, जो लाभ देना था तो 5.5 साल भी देते, जो फ्री करना था तो 5.5 साल भी करते। 10 रुपए की चीज फ्री और मकान आप लैटरिनों में रहो, शौचालय में रहो, शौचालय बने हुए नहीं है, पानी है नहीं, सीवर है नहीं। तो आज समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोग हैं, मादीपुर विधानसभा की झुग्गी कैंप के लोग हैं, इन लोगों ने तय किया है कि सावन को तब तक हम चालू रखेंगे, तब तक जब तक सरकार ये एग्रीमेंट नहीं कर लेती और सरकार अप्रूवल नहीं कर देती, हमारे प्रस्ताव को पास नहीं कर देती और हमें उस फैसले की कॉपी नहीं दे देती, यही हमारा प्रस्ताव। मंजू बहन जी और भाई साहब रसोईया भाई साहब के साथ में आई हूँ झुग्गी कैंप से। हमारी झुग्गियों के अंदर भी कोई काम नहीं होता, सारे लोग परेशान हैं, बेटियां पढ़ पढ़ के 12-12, 13-13 घर में बैठी हैं, लड़के भी 15-15 क्लास पढ़ के घर में बैठे हैं, कोई नौकरी नहीं मिलती, कोई चाकरी नहीं मिलती। मेरा नाम राकेश कुमार है और मेरी एक संस्था है झुग्गी झोपड़ी मोर्चा पंजाबी बाग वेलफेयर सोसाइटी। हम लोग लगातार झुग्गी वासियों की जो समस्याएं हैं उनको लगातार सरकार तक पहुंचाते हैं और उस पर लगातार हम लोग संघर्ष करते हैं। हम लोग 2013 से लगातार सरकार को लिख रहे थे कि जहां झुग्गी वहीं मकान बनाया जाए और सरकार ने हमारे साथ में राजनीति क्या करना चालू कर दी कि उन्होंने पहले कहा कि आप NOC ला करके दें। जब हम NOC के लिए गए तो उन्होंने कहा कि प्रपोजल ला करके दें। तो ये सरकारें जो है ये हमारे साथ राजनीति करती हैं और धोखा करने का काम करती हैं।